बिफोर आई स्टार्ट मैं थोड़े से बालों को क्लिप कर देती हूँ सो दैट ये बीच में आके मुझे डिस्टर्ब ना करे. सो मैंने बीच का वैसे अभी सिंपली पार्टीशन किया है एंड देन आई क्लिप्ड ऑन माई बैंग्स. अब स्टार्ट करेंगे मेकअप. सो अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है बट स्टिल आई ट्राई समथिंग डिफरेंट. थोड़ा सा यूनिक लाने की कोशिश करूँगी. अमीनो का क्रीम जो है ये डे क्रीम है, ये बेसिकली मैं यूज़ करूँगी. आपके स्किन टाइप में जो भी क्रीम यूज़ होता है लाइक सूट करता है आप उस पर जा सकते हो. होता है आप फेस प्राइमर ले सकते हैं. यहाँ पर मैं इनसाइट पोर मिनिमाइजर प्राइमर ले रही हूँ. आपके पास जो भी प्राइमर है आप उस पर जा सकते हो. एलोवेरा जेल जो है वो भी ले सकते हो. सो आज मैं ये वाला प्राइमर यूज़ करूँगी और इसे बेसिकली आपके फेस के टी जोन पे अप्लाई करना है. इससे आपके जो ओपन पोर्स है उसे मिनिमाइज करेगा और साथ ही आपके स्किन को जो है हाइड्रेट करेगा और आपका मेकअप बहुत ही स्मूथली ब्लेंड भी होगा और अच्छे से फ्लॉलेस लुक भी आता है. मैं इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर कंसीलर दे रही हूँ जिसका शेड है 122 सैंड. सो आपके पास जो भी कंसीलर है आप उस पर जा सकते हो. आई ऑल्सो हैव स्विस ब्यूटी जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है बट आज इस लुक के लिए मैं इसी पे ही जाऊँगी. जस्ट मैं अंडर आईज जो है यहाँ पर अप्लाई करूँगी. लिड को भी थोड़ा सा प्राइम करना है. नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए यहाँ पर मैं मैक का लिक्विड फाउंडेशन ले रही हूँ और इसे एक्चुअली आज मैं ना सब ऑल ओवर फेस में पहले अप्लाई करूँगी एंड देन लास्ट में एक साथ जो है ब्लेंड करूँगी. सो इसे जस्ट मैं जो मेरे चीक्स हैं उसमें जस्ट अप्लाई करूँगी. नेक्स्ट इसे मैं ब्लेंड करूँगी. सो स्टार्ट विद द लाइटर शेड जो कि मेरे अंडर आई है. पहले इसे मैं ब्लेंड करना शुरू करूँगी. सो नेक्स्ट फेस को थोड़ा सा कॉन्टर करूँगी. यू कैन सी जब हम फाउंडेशन लगाते हैं बेस लगाते हैं तो आपका स्किन जो है आपका फेस जो है पूरा फ्लैट लगता है. उसे अब थोड़ा सा नेचुरल शार्प लुक देने के लिए हम थोड़ा सा कॉन्टोर पार्ट करते हैं. सो यहाँ पर मैं शुगर का स्टिक कॉन्टोर ले रही हूँ. ये कॉन्टोर स्टिक आप बोल सकते हैं जिसका शेड जो है ब्राउन है. आप कोई भी जो भी आपके स्किन टाइप है ना उसे थोड़ा सा डार्कर शेड पर जा सकते हैं. सो इसे इस ब्रश के हेल्प से जस्ट मैं थोड़ा सा अपने हॉल ऑफ चीक जो होता है वहाँ पर अप्लाई करूँगी. इसको जो है ब्लेंड करना है. सो नेक्स्ट बेस को सेट करना है. सो यहाँ पर मैं जीनो मैक्रे का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ जिसका शेड है वनीला वैनिटी. आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है या सेटिंग पाउडर है आप उससे जो है बेस को सेट कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर से ही बेस को सेट करूँगी. सो क्योंकि समर आ चुका है सो पाउडर से अगर आप सेट करते हो ना तो जो स्वेट से केकी होता है ना उससे आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लेता है. तो पाउडर से सेट ज़रूर कर लीजिए. सो बेस को अभी जस्ट यहीं पर स्टॉप करते हैं. मूविंग टू आई मेकअप. सो ब्रावो को फिल इन करेंगे. सो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन ब्राव परफेक्ट पेंसिल ले रही हूँ जिसके वन साइड स्पूली होती है, अदर साइड आपको पेंसिल मिलता है. और ये जो शेड है ये ब्राउन शेड है जो कि ब्राव के लिए परफेक्ट शेड है. सो इसी से आज ब्राव को मैं फिल इन करूँगी. सो फर्स्ट स्पूली के हेल्प से इसे जस्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, कोम कर लेना है एंड देन इसके बाद मैं थोड़ा सा फिल इन कर लूँगी. के लिए जस्ट आई नीड टू कलर्स. सो आप रेड या ऑरेंज जा सकते हैं और उसके साथ कॉम्बिनेशन पे आप येलो ले सकते हैं.
सो आई एम गोइंग विद माई फेवरेट पैलेट जो कि भी परफेक्ट कार्निवल पैलेट में से. मैं यहाँ से सोच रही हूँ एक ये वाला जो ऑरेंज है और उसके साथ जो ऊपर टॉप में जो येल्लो है ये मैं पिक करने वाली हूँ. सो ये दो शेड से ही मैं आई लुक जो है आज क्रिएट करने वाली हूँ और इसके साथ जो है थोड़ा सा लाइनर भी अप्लाई करना है. सो आउटर वी से पहले मैं ये ऑरेंज और रेड जो है ना ये लेके जाऊँगी. सो नेक्स्ट जो येलो है वो इनर कॉर्नर से मैं प्लेस करूँगी. सो यू कैन सी जस्ट मैंने जस्ट प्लेस किया है, अभी तक ब्लेंड नहीं करना स्टार्ट किया है, वो मैं एट द एंड करूँगी. पहले मैं जो शेड है उससे पहले प्लेस कर लेती हूँ. नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंडिंग. सो यहाँ पर जो लाइटर शेड है यहाँ से एक फ्लफी ब्रश लूँगी और यहाँ से मैं जो क्रीज एरिया है उससे ब्लेंड करना शुरू करूँगी. सेट अप यहाँ पर मैं काजल एंड लाइनर दोनों लूँगी. सो यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का ड्यूल पेंसिल है, वन साइड लाइनर एंड अदर साइड जो है काजल है. सो फर्स्ट जो है मैं काजल से अपनी वाटर लाइन को लाइक फिल इन कर लूँगी एंड देन जो लाइनर से इसे अच्छा से एक विंग क्रिएट करूँगी. जो नीचे काजल है इसे थोड़ा सा स्मज कर देंगे. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लश. सो यहाँ पर मैं मैक का ब्लश ले रही हूँ जिसका शेड पिंक कलर का ही शेड है. नेक्स्ट अपने ऑल ओवर लुक को थोड़ा सा फिक्स करेंगे. सो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और इसे जस्ट थोड़े से डिस्टेंस में फेस पे स्प्रे करना है. नेक्स्ट यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूँगी. सो यहाँ पे मैं मेबेलिन का कॉलोसल मस्कारा ले रही हूँ और उसे जस्ट पहले अपने लैश को थोड़ा सा कर्ल कर लूँगी. ऑलमोस्ट डन. सो अब बारी आती है लिपस्टिक पे. सो लिपस्टिक में यहाँ पर मुझे रेड रखना है. सो रेड में आई हैव मैनी ऑप्शंस. सो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा रेड पे मैं जाऊँ, बट जो एट द एंड मैंने सोचा है मैं इस पे जाऊँगी ये है नॉन ट्रांसफर वाटर प्रूफ और ये स्विस ब्यूटी का आई बिलीव यस. इसका शेड है 406 हॉट रेड. सो ये स्विस ब्यूटी का है और इसका शेड एक बार मैं दिखा देती हूँ. दिस इज द रेड वन. सो मैं सोच रही हूँ इसी कलर पे जाऊँ, बट उससे जस्ट पहले मैं थोड़ा सा पेंसिल करूँगी लाइक आउटलाइन. सो आउटलाइन के लिए भी मैं स्विस ब्यूटी का पेंसिल ले रही हूँ जिस शेड ब्राइट मरून. यहाँ पर मैं ओफ्रा का हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ और इसमें से जो है थोड़ा सा हाइलाइट कर लेनी है. मेकअप इज डन. अब थोड़ा सा हेयर स्टाइल करते हैं एंड साथ में थोड़ा सा आउटफिट चेंज करते हैं, देन आई विल बी बैक.
सो दिस इज माई फाइनल लुक. मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टड ट्राई किया है और हेयर स्टाइल बहुत सिंपल है. मैंने जस्ट यहाँ पर हाफ ऑफ माई साइड, लाइक जो साइड वाला है मिडल पार्टीशन के बाद, मैंने थोड़े थोड़े से सेक्शन लिए हैं. एक छोटी सी पोनी जिसे हम स्कूल टाइम पे करते थे, एज इट इज़ बहुत सिंपल सा है. लाइक ये हेयर स्टाइल बेबीज़ के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, मेरे ऊपर भी क्यूट लग रहा है बिलीव. सो ये आई थिंक ऑल ओवर लुक जो है ना बहुत सिंपल सा है, बहुत ही अट्रैक्टिव भी है. सो कोई भी ट्राई करके देखेगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है. और प्रोडक्ट के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा. एंड वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को कर दीजिएगा थम्स अप, यानी कि लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय गाइज़.